गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Okay, good morning all of you. Today we are going to chapter 3, that is India's climate. Okay. Yes ma'am. Previous class से हमने understand किया था ना rainy monsoon के बारे में, उसके first, second, third point तक हमने understand किया था ना। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Start करते हैं। तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से करते हैं? बच्चे अरेबियन सी मानसून, और ये जो टू पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ तक हुआ था ना। थर्ड पॉइंट से रीड करेंगे, कौन करेगा रीड? जल्दी जल्दी करेंगे और ठीक है, लेट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट से रीड करना है। मैम आई कैन रीड? यस। चलिए स्टार्ट करिए। कौन कर रहा है जल्दी? चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया था, थर्ड पॉइंट से करते हैं। एट द सेम टाइम इन द हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ हाइट, कौन कर रहा रीड अभी बोला? अभिषेक गुप्ता। मैम आई कैन रीड? यस यस रीड। पलक। यस मैम। यस दिख रहा है थर्ड पॉइंट। एट द सेम टाइम इन अ हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ 10 to 16 किलोमीटर अबव सी लेवल चलिए एट द सेम टाइम इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ हाईएस्ट ऑफ 10 to 16 किलोमीटर अबव सी लेवल wind began to the blow at a very high speed in a direction from east to west. This high speed, high altitude wind helped the flow of the surface monsoon wind in the opposite direction from west to east. The monsoon does not arrive all over India at the same time. Its onset is different in different places. It first arrived in Kerala on 1st June, then Mumbai 7th June, and reached Chhattisgarh around June 15. When it reached the southern peninsula of India, the southwest monsoon divided into two branches. One branch moved toward the Arabian Sea, and the other branch moved toward Bay of Bengal. Arabian Sea monsoon. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। आपको यहाँ बताया गया है कि
एटमोस्फेयर में जो हायर लेयर्स बनते हैं, क्या हाइट है यहाँ पर 10 से 16 किलोमीटर हाइट पे सी लेवल के पास जो विंड है वो काफी हाई स्पीड में ब्लो होता है। डायरेक्शन दिया हुआ ईस्ट से वेस्ट से हाई स्पीड में, ये जो कि मीन्स मॉनसून को लेकर आने में हेल्प करता है। अपोजिट डायरेक्शन में है मीन्स वेस्ट टू ईस्ट में जो विंड फ्लो को वेस्ट से ईस्ट में लेकर आएगा। अब देखिए जो मॉनसून जो है वो ऑल ओवर इंडिया में आता है लगभग एक ही टाइम में, मीन्स एक ही दिन में नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक ही दिन में हर जगह बारिश नहीं आता, हर जगह पर अलग अलग टाइम पर आता है। अब देखिए यहाँ पर पहला जो है आपका मॉनसून आता है जो केरल में आता कब है, 1 जून में, और मुंबई में 7 जून, और छत्तीसगढ़ में 15 जून में। ठीक है, सभी जगह अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, रेनी सीजन आते हैं, एक ही टाइम पे बारिश नहीं होती है, सब जगह अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है, पूरे इंडिया में मॉनसून आने के बाद में जो विंड है वो 2 पार्ट्स में बदल जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट ब्रांच से आपका रेजेंसी जो मूव हो जाता है, दूसरा ब्रांच से आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से मूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अरेबियन सी मॉनसून, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कोई करेगा? मैम आई कैन रीड, मैम आई कैन रीड। आप लोग आई कैन रीड बोल के गायब हो जाते हो। मैम मैं रीड कर, प्रवीण कुमार, यस अर्पिता, यस मैम, प्रवीण के बाद अर्पिता करना। ठीक है, अरेबियन सी मॉनसून इन द ब्रांच दैट मूव्स टुवर्ड द अरेबियन सी द मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, केरल ला कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ गेट रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच। द मॉनसून विंड फर्स्ट हिट द वेस्टर्न गेट्स कॉजिंग हैवी रेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। बाय द टाइम दे अक्रॉस द वेस्टर्न गेट दे लूज देयर मॉइस्चर बिकमिंग ड्राई एंड हॉट एज दे मूव टूवर्ड द ईस्ट। दिस रीजन कॉल्ड रेन सोवर्ड रीजन रिसीव्स सेंटी रेनफॉल। मुंबई गेट्स अराउंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल बिटवीन जून एंड सितंबर वाइल मीन गेट्स ओनली 50 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, देखिए कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो एक अरेबियन सी के तरफ मूव कर लिया है और एक जो है बे ऑफ बंगाल के तरफ मूव कर लिया। ठीक है, ये जो अरेबियन सी के तरफ जो मूव कर लिया है वो किसका पार्ट है, इस ब्रांच का अरेबियन सी के तरफ मूव कर लेता है, इसलिए उसको अरेबियन सी मानसून कहा जाता है। ये जो मानसून विंड है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में ब्लो करती है, इससे जो रेनफॉल होता है केरल कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इसी मानसून की वजह से रेनफॉल देखने को हमको मिलता है। ठीक है, ये जो मानसून विंड है वो वेस्टर्न घाट से टकराता है जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है। जब वो टकराता है तब जाके क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, उसके बाद वो मूव कर लेता है वेस्टर्न कोस्टल प्लान में। जब वो वेस्टर्न कोस्टल प्लान की ओर जाता है वहां पर जो मॉइस्चर है उसको लूज कर जाता है। जब वो वापस आता है तो ईस्ट के तरफ से, यानी कि मीन्स वाटर जो है विंड है बहुत ज्यादा ड्राई और हॉट हो चुका होता है। ठीक है, ये जो रीजन है वहां पर उस रीजन को बोला जाता है रेन फ्लो रीजन, यहाँ लिखा हुआ आप देखेंगे रेन फ्लो रीजन कहा जाता है। इससे बहुत ज्यादा स्कैंटी रेनफॉल देखने को हमको मिलता है। इसी रेनफॉल की वजह से मुंबई के में अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ठीक है, जून टू सेप्टेम्बर में। वहीं पुणे में 50 सेंटीमीटर ही रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम, यस मैम। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका द अरेबियन सी मानसून। अर्पिता रीड योर नेक्स्ट पैराग्राफ। यस मैम, द अरेबियन सी मानसून नाउ डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, वन ब्रांच मूविंग इट्स वार्ड along the Narmada Valley to the Chota Nagpur Plateau where it meets the Bay of Bengal monsoon branch causing heavy rainfall in the region. The other northern branch goes through Kathiawar. It cuts to
the desert of Rajasthan, the Aravalli hills run parallel Aravalli. To the monsoon winds, so they cannot stop them. The average rainfall in his area being only 20 centimeter, the winds thus blow unhindered through Gujarat and Rajasthan to the Himalayas. The air at his high altitude is hot and dry, so the monsoon lose its moisture, hence rainfall in the Himalaya region is low from his northern branch. The air at this high altitude is hot and dry, so monsoon lose its moisture, hence rainfall in the Himalaya. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो अरेबियन सी मानसून है ये फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक जो है ईस्ट वार्ड की तरफ जो नर्मदा वैली से लेकर छोटा नागपुर में वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाते हैं, और उस एरिया में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है. जो अदर दूसरा ब्रांच है वो नॉर्थन ब्रांच है, वो कैथेवार कक्ष से राजस्थान के डिजर्ट की तरफ से इस वक्त जो अरावली हिल्स है वो मॉनसून विंड के साथ में ही रहता है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो 20 सेंटीमीटर के लगभग होता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल. मैम आई कैन रीड. यस ओके मैम. बे ऑफ बंगाल. This branch of monsoon also divides further into two branches. The first branch of monsoon winds blow to the Myanmar coast, where they encounter the Arakan Yoma Mountains. The rainfall is heavy in the western range of the mountains. The other branch moves towards Bengal and Assam with heavy rainfall in the Khasi and Garo Hills. Mesandram in Meghalaya receives the highest rainfall in the world. The winds of both branches then blow towards the west after encountering the Himalayas and the Arakan Yoma Mountains, but the rainfall is scant through Guwahati, Patna, Allahabad, Bharatpur and Jaisalmer receive scanty rainfall from the Bay of Bengal monsoon. ओके गुड. अब इस पे देखिए क्या बताया गया आपको कि यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल मानसून के बारे में बताया गया, ये दूसरा जो ब्रांच है वो क्या होता है, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये भी दो ब्रांच में डिवाइड होता है. पहला जो है आपका म्यांमार कोस्ट में, यहाँ पर जो मानसून है वो म्यांमार कोस्ट पर जाता है जहां पर आराका योमा माउंटेन में इनकाउंटर होता है. ठीक है, मींस टकराता है और वहां पर हैवी रेनफॉल होता है. और जो अदर ब्रांच है वो क्या बे ऑफ बंगाल असम के तरफ से ज्यादा, बंगाल के तरफ से ज्यादा, और वहां पर हैवी रेनफॉल होता है खासी और गारो हिल्स में. लिखा है ना खासी एंड गारो हिल्स में. अब यहाँ पर बताया गया कि जो मावस्या राम जो है मेघालय में वहां पर हाई रेनफॉल देखी गई है जो पूरे वर्ल्ड में है. ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल देखा गया है, आपका जो मायासराम लिखा हुआ है ना मेघालय, वैसे भी मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होता है पूरे साल भर में. नेक्स्ट है आपका ऑटम और रिटर्निंग मॉनसून. नेक्स्ट है आपका ऋतु, रीड करिए आप ही. ओके मैम. Autumn or retreating monsoon. In the second half of October, the temperature starts falling rapidly in North India. By the beginning of November, the low pressure zone over north to west India shifts to the Bay of Bengal. This shift gives rise to low pressure cyclonic conditions that develop into cyclones in the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India. They are sometimes very destructive and cause heavy rainfall.
the densely populated delta areas of Krishna, Kaveri, and Godavari rivers are often hit by cyclones. They sometimes also reach the coastal areas of Orissa, West Bengal, and Bangladesh. Most of the rainfall on the Coromandel coast is caused by these cyclones. In October, the average temperature in most parts of India is 25 to 26 degrees C. The average temperature in Rajasthan, Gujarat, and eastern coastal plains is over 27 degrees C. And in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, and Karnataka is below 25 degrees C. See reference map 6. 25 centigrade degree bolte hain. ठीक है, क्या बोलते हैं? 25 सेंटीग्रेड डिग्री. हाँ चलिए, ओके गुड. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ऑटोनम रिट्रेनिंग मॉनसून जो है, यहाँ पे क्या बताया गया, जो अक्टूबर के सेकंड हाफ में से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर के सेकंड हाफ में, जहां पर टेम्परेचर वो नीचे गिरता है, रैपिडली मीन्स नीचे गिरता है, फॉल होता है नॉर्थ इंडिया में, और नवंबर के स्टार्टिंग में लो प्रेशर जोन को वो क्या करता है, क्रिएट करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, वो जो बे ऑफ बंगाल की ओर शिफ्ट होता है, ये जो शिफ्ट होता है उसके बाद वहां पर लो प्रेशर जो साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होने लगते हैं. ये जो साइक्लोनिक जनरली ईस्टर्न कोस्ट इंडिया में फॉल होते हैं, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा रेनफॉल लेते हैं, लेकर आते हैं. ठीक है, क्या करते हैं वो, बहुत सारा रेनफॉल लेकर आते हैं. यहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड डेल्टा है, जैसे कि कावेरी और गोदावरी रिवर, वो वहां पर कभी कभार जो है हीट कर जाते हैं साइक्लोनिक को, और सम टाइम क्या है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है, ये सारे जो कोस्टल एरिया है जो, उसको भी ये क्या करते हैं, हीट कर जाते हैं. ठीक है, अक्टूबर में जो एवरेज टेम्परेचर रहते हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के मोस्ट पार्ट में वो क्या है, 25 से 26 सेंटीग्रेड डिग्री रहता है. राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लान में 27 सेंटीग्रेड डिग्री रहता है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में कितना रहता है, 25 सेंटीग्रेड हमको देखने को मिलता है. क्लियर, यहाँ पे आपका ऑटोनोम वाला भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा विंटर. नेक्स्ट विंटर को रीड कौन करेगा, अभिषेक ने कर लिया, प्रवीण, रीतु ने भी कर लिया, पलक. ओके चलिए रीड करिए पलक. विंटर, द विंटर सीजन एक्सपेक्ट फ्रॉम डिसम्बर टू फेब्रुवरी. इट इज मेड बाय अ स्टीप फॉल इन टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडियन इन जनवरी एंड फेब्रुवरी. द टेम्परेचर फॉल बिलो फ्रोजिंग पॉइंट पंजाब एंड कश्मीर, बट इन साउथ इंडियन द एवरेज टेम्परेचर इज 14-15. This weight is grow in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh during this season, whole wise in cultured in Kerala and Tamil Nadu. Cycling okay. Sister. हाँ आगे 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 पढ़ो जल्दी जल्दी, टाइम ऑफ होने वाला है. ठीक है, यहाँ पे ओके स्टॉप रीडिंग. नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड इन डेंस फॉग ड्यूरिंग दिस मंथ. अब इससे क्या बताया गया, देखते हैं. दिसंबर से फरवरी के बीच में विंटर सीजन होता है. ठीक है, सभी को पता है दिसंबर से फरवरी के बीच में क्या होता है, विंटर सीजन होता है. जिस वक्त में क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, और जैसे कि जनवरी फरवरी जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है. कहाँ कहाँ रहता है फ्रीजिंग टेम्परेचर,
पंजाब और कश्मीर में साउथ इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 14 से 15 सेंटीग्रेड रहता है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात की गई है, पंजाब क्या है, इसी टाइम में वीट ग्रो करते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और राइस ग्रो होती है, ठीक है, केरला और तमिलनाडु में। वहां पर जो साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से काफी हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड में, जिसकी वजह से वो लोग जो राइस को कल्टीवेट करते हैं विंटर सीजन में, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, ठीक है, वहां पर स्नोफॉल भी देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि इल नीनो एंड द मॉनसून, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इल नीनो एंड द मॉनसून, दिख रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ, ओपन ओपन है, यस करो जल्दी, यस मैम। The Indian monsoon is affected by the ocean current thousands of kilometers away near the western coast of Ecuador in South America. The heating and cooling of the Pacific Ocean as a result of this current causes atmospheric change that affect the monsoon. The atmosphere change cause of the tropic. Okay. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? Stop reading. अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि जो मानसून यहाँ पे चेंज होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन मानसून जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो ओशियन करंट पर डिपेंड करता है। तो अगर ओशियन में कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो वो हमारे मानसून को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो पैसिफिक ओशियन के पास में अगर कोई, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये जो पैसिफिक दिख रहा है फर्स्ट वाला नॉर्मल ईयर वाला, जो मॉनसून को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, ये जो पैसिफिक के पास में अगर कोई चीज इक्वेटर के पास में, यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है उसके बारे में आप बताया गया है कि जो पैसिफिक ओशियन के में अगर बहुत ज्यादा हीट या खून हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा हीट या कूल हो रहा है, तो ये हमारे मानसून में बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, दिस एटमोस्फेयर, रीड दिस एटमोस्फेयर, चेंज कॉज द ट्रॉपिकल कन्वेक्टिव जोन टू शिफ्ट 10 से लेके 15 डिग्री साउथवर्ड द इफेक्ट। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको कि एटमोस्फेयर में अगर चेंज होता है तो हमारा जो कन्वर्जेंस जोन है वो भी क्या हो जाएगा, 10 से 50 डिग्री साउथवर्ड जो है चेंज हो जाता है, जिसका इफेक्ट हमको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। वहां का जो ट्रेड है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और भी अलग अलग चीजें जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है आपका द एबनॉर्मल वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कॉज बाई द ओशियन करंट ऑकर्स आफ्टर इंटरवल ऑफ अ फ्यू इयर्स। पेरू गेट्स हैवी रेनफॉल इन द विंटर एज अ रिजल्ट एंड इवन एक्सपीरियंस फ्लूड व्हेन द ओशियन वाटर इज वार्मर देन नॉर्मल द फिश कैच डिक्रीज। दिस फोनोमेनन इज कॉल्ड इल नीनो बिकॉज इट ऑकर्स अराउंड क्रिसमस when the opposite happened, the eastern Pacific Ocean cooled down. It is called La Nina. Then 1991 there was delay of 5 to 12 days in the arrival of the monsoon in India. अब यहाँ पे क्या बताया गया next paragraph पे आप देखोगे next paragraph यहाँ पे बताया गया आपको कि ओशियन जो है अचानक से या तो ओशियन है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है या कूल हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून में क्या होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और जो हर साल देखने को नहीं मिलता है, साल के इंटरवल के बाद वो होता है, कुछ साल के गैप में होता है जब वाटर जो है वार्म होता है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रहता है उस समय फोनोमेनन को इल नीनो कहा जाता है।
अब जब इसका अपोजिट हो जाता है, मीन स्पेसिफिक ओशियन में वाटर जो है ठंडा हो जाता है, ये नॉर्मल वाटर को जो ठंडा है उसको कहा जाता है ला नीना। यहाँ पे आपके इसमें लिख दिया हुआ है ना, ड्राइंग में बता रहा है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ला नीना कहा जाए, इन नीनों की वजह से बहुत ज्यादा हमारे मानसून में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। 1990 से लेके 91 में देखा गया था कि इन नीनों की वजह से 12 दिन मानसून के इंडिया में आने लेट। कभी कभी होता है ना मानसून बहुत लेट आता है हमारे इंडिया में, वो किसके कारण से आता है, इन नीनों की वजह से लेट आता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। लास्ट है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, फिर आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी आप लोगों को मैं। हमारे पास आज ये लास्ट पेज है आपका, लास्ट बच रहा है क्लाइमेट चेंज, तो ये लास्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा, जल्दी करो, टाइम इज आउट होने वाला है। मैम आई कैन रीड। ओके। Climate change, the entire world is worried about the long-term impact of the changes occurring in the composition of the Earth's atmosphere. We learned earlier that long-term atmospheric conditions is what we call climate. This means climate is a cycle of atmospheric conditions over many years. This cycle is changing. It is these changes that are causing concern. The changes occur very slowly, but they can lead to many problems. These problems include unpredictability of rainfall, shrinking of glaciers, and rising sea levels. We need to seriously think about how a change in the date of arrival of the rainy season could affect crop cycles and land use in agriculture. Collect news related to the weather from newspaper. Okay. अब देखो चेंज क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। क्लाइमेट का जो डेटा है किसी एक दिन को तो नहीं, ये पूरे साल भर का डेटा है। क्लाइमेट एटमोस्फेयर जो है मीन्स हर एटमोस्फेयर जो कंडीशन है स्टडी किया जाता है, पूरी कंडीशन को उसके बाद हमको क्लाइमेट देखने को मिलता है। अलग अलग फैक्टर की वजह से क्लाइमेट में जो चेंज आते हैं, अगर ये जो साइकिल है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देखोगे हर सीजन में अलग अलग चेंज होते हैं ना मौसम, वो एक साइकिल है। पहले आपका गर्मी आता है, एग्जाम्पल के लिए अपन इसी को ले लेते हैं कि जैसे गर्मी आता है, फिर विंटर है, रेनी सीजन है, तो ये एक साइकिल है कि पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज जो है वो चेंज होती है, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाता है तो बहुत सारा नुकसान हमको देखने को मिलता है। जैसे कि खासकर इंडिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, और मानसून के लेट आने की वजह से क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अगर क्लाइमेट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चला, तो सालों से जो चलता आ रहा है, अगर प्रॉपर वे पे नहीं चला तो बहुत सारे हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताए कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकते, मतलब हम उस रेनफॉल को वेट सिर्फ कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मॉनसून है, क्योंकि मॉनसून का वेट करते हैं तब जाके जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक ये चैप्टर? यस मैम। तो आज हमारा इंडिया एंड क्लाइमेट जो चैप्टर ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। तो आई होप सभी को समझ आ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन से सेंड करूंगी, ठीक है। आज का आपका वर्क क्या रहेगा, होमवर्क ओनली इजी, व्हाट इज क्लाइमेट, ठीक है, और व्हाट इज विंटर, ओनली टू क्वेश्चन। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम।